मशीन्स में मैंने आपको इंडक्शन मोटर के बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को बता दिए हैं और मैं लास्ट टाइम पर आपको हाँ लास्ट टाइम पर आपको यह बता रहा था कि दो तरह के रोटर कौन कौन से उसके अंदर होते हैं हैं स्कोर केज और वाउंड रोटर यानी स्लिपरिंग स्कोरल केज रोटर और स्लिपिंग रोटर स्कूरल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन आपको बताया हुआ था स्क्रल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कॉपर की कई सारी बार्स हैं जो रखी हुई है पिंजरे के फॉर्मेट में एक यहां एक यहां 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 यो गोला बनाकर रखी हुई है जिनको अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस तरह का और इसमें आपने रिंग एंड के रिंग ऊपर भी एक रिंग लगा दिया जिससे सारे वेल्ड हो जाए नीचे से भी एक रिंग लगा दिया तो पूरा एक पिंजरा जैसा बन गया तो वो रिंग आपने यहां भी लगा दिया है और नीचे के साइड भी लगा दिया है ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों साइड से लगा करके उसको वेल्ड कर दिया है शॉर्ट सर्किट हो गया ठीक ये काम आपने कर दिया दियाटर के अंदर और इसका फायदा भी इसके लिए क्या है देखो सबसे पहले शॉर्ट करना क्यों जरूरी है मान लीजिए आपने शॉर्ट नहीं कर रखा होता एंड रिंग्स जो आपने लगा रखे हैं वो कॉपर के नहीं होते कॉपर के बजाय आपने वुडन लगा रखे होते Course, हमारी नहीं है। मतलब इन के से एक करंट दूसरे करंट जाने लायक नहीं होती है। बीच में इंसुलेटर लगा होता पिछली बार कहा था एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आज मैं याद दिलाने वाला हूं इंडक्शन मोटर में अभी तो मो वो पॉइंट बताते दोबारा पे आता हूं तो और क्लियर हो जाएगा इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर वाइंडिंग स्टेटर के अंदर क्या हो रहा है वाइंडिंग थ्री फेज वाइंडिंग उसके अंदर स्टेटर के अंदर हो रही है स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग है रोटर रोटर में बेसिकली या तो वाइंडिंग है या केज है या तो केज है या वाइंडिंग है बेसिकली इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रही है करंट इसके अंदर भी फ्लो कर रही है पॉइंट यह पॉइंट ये है कि स्टेटर के अंदर आपने एक वोल्टेज दिया हुआ है उस वोल्टेज की वजह से आपने इसके अंदर एक वोल्टेज दिया हुआ है V1, V1. उसकी से उसकी आई वन स्टेटर के अंदर भी अपने एक वोल्टेज है वी टू और उसके अंदर भी करंट फ्लो कर रही है आई टू याद आता है वी वन आई वन और वी टू आई टू और किसी चीज में आपने पढ़े हूं ट्रांसफॉर्मर देजैक्टली वॉट इंडक्शन मोटर इज ऑल अबाउट इंडक्शन मोटर का इक्वेलेंट सर्किट अगर आप देखते हैं तो दैट इज जस्ट द सेम एज ट्रांसफॉर्मर इक्वेलेंट सर्किट दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है तो इंडक्शन मोटर कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ ट्रांसफॉर्मर अ थ्री फेस ट्रांसफॉर्मरस थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर आपने सेकेंडरी साइड को शॉर्ट सर्किट कर रखा है ट्रांसफार्मर थ्री फेस ट्रांसफॉमर का फॉर एग्जाम्पल सार बना देते हैं यह सार है यह है प्राइमरी साइड ये सेकेंडरी साइड सेकेंडरी साइड में ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों को तीनों आपस में शॉर्ट कर दिए अब तीनों शॉर्टेड है ये अगर आपने काम कर दिया है और ऑफ कोर्स उसको सेकेंडरी साइड को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया है नॉट इन बट इन इंडक्शन मोटर तो सेकेंडरी साइड में अगर आपने तीनों पॉइंट शॉर्ट कर रखे हैं देन दिस इज द इक्वल सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर के अंदर भी यही चीज होती है इंडक्शन मोटर में भी सेकेंडरी होती है सेकेंडरी बेसिकली रोटर पर माउंटेड होती है प्राइमरी सेट

करके रखा हुआ है तभी इंडक्शन मोटर चलेगी थ्री फेज वाइंडिंग के तीनों टर्मिनल्स आपको बाहर मिल ले होंगे ये 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 तीनों टर्मिनल्स आपको स्टेटर के ऊपर जो टर्मिनल बॉक्स लगा होता है टर्मिनल बॉक्स के ऊपर आपको छह टर्मिनल दिखाई देने वाले हैं जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है उसका जो टर्मिनल बॉक्स है दैट बी लाइक दिस उसके अंदर तीन पॉइंट होंगे स्टेटर के R1 Y1 V1 और तीन पॉइंट होंगे R2 Y2 B2 रोटर के ये तीनों स्टेटर के हैं ये तीनों रोटर के हैं तीनों इन तीनों पॉइंट के अंदर आपको क्या करना होता है सप्लाई देनी होती है अब इंडक्शन मोटर की वर्किंग बेसिकली समझिए क्या करना होता है चाहे इस साइड में आपने थ्री फिस वाइंडिंग कर रखी है रोटर के अंदर या आपने केज रोटर बना रखा है दोनों कंडीशन में जो भी है रोटर मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड ऑर्डर टू अलाउ द करंट फ्लो करंट उसके अंदर फ्लो करें इसलिए जरूरी है कि आप ये तीनों पॉइंट रोटर के अंदर तीनों पॉइंट और के रोटर में एंडरिंग इन दोनों तरीके से आप ये तीनों पॉइंट शॉर्ट करके रखें जिससे कि रोटर के अंदर करंट फ्लो कर सके रोटर के अंदर अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इंडक्शन मोटर नहीं चलेगी अगर आपने स्लिप रिंग रोटर में आपने ये तीनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट नहीं कर रखे हैं और तीनों को खुला छोड़ दिया इन तीनों के अंदर सप्लाई दी जाती है जो टीपीएसटी है टीपीएसटी से आपने इसके अंदर सप्लाई दे दी, दी है और इन तीनों को लेकर आपने शॉर्ट कर दिया रनिंग कंडीशन बता रहा हूं नॉट स्टार्टिंग स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है स्टार्टिंग अंदर कुछ और करना पड़ता है वो बात की बात की है नॉर्मल रनिंग तभी चलेगी अगर आप R2, 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 B2, तीनों को आपने शॉर्ट और फिर आर वन वाई वन बी वन इसके अंदर थ्री पे सप्लाई दे दीजिए दी मोटर चलनी शुरू हो जाएगी अगर स्कोल केज रोटर है केज रोटर उसके अंदर खाली तीन ही होंगे टर्मल तीनों के अंदर सप्लाई दे दीजिए

कि केज रोटर के अंदर आपने एक कंस्ट्रक्शन कर रखा है इस कंस्ट्रक्शन का फायदा क्या है कंस्ट्रक्शन का फायदा यह है कि आप इसके अंदर रोटर के जो टर्मिनल्स बाहर आ रहे हैं उससे आप रेजिस्टेंस एडिशनल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको इसे जोड़ दीजिए इसको इससे तो रोटर सर्किट में एडिशनल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं मुझे इस पॉइंट पर पूरा भरोसा है कि यह किसी के समझ में नहीं आया होगा कि यह क्या कर दिया है कोई भी ऐसा देना जिसको समझ में आ गया हो थोड़ा सा भी कुछ भी कोई भी आइडिया लगाओ इससे कुछ भी ठीक है कोई बात नहीं अगर नहीं लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं दि नथिंग न्यू अभी तो सेमेस्टर शुरुआत ही हुई है मेरा तो सेमेस्टर खत्म हो गया था कोर्स भी खत्म हो गया था तो भी मुझे समझ में नहीं आया था जिसलिए मैं आपको समझाता देता हूँ कि क्या चीज है देखो स्टार्टिंग करंट लो रखने के लिए दैस करेंट बिल्कुल सही बात है स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए ही ये वाला काम कराया जाता है ठीक रोटर के अंदर आप जितनी रेशन ज्यादा लगा देंगे उतनी स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगी ऑल दो अभी हमने स्टार्टिंग की प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं करी है ये वाली बात सही है हमेशा के लिए याद रख लीजिए इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में बहुत हैवी करंट ड्रॉ करती है और जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टार्टिंग करंट कम होती है क्या, क्या? स्पीड स्पीड रेगुलेशन भी कर सकते हैं दैस करंट जस्ट ये बिल्कुल सही बात है स्टार्टिंग में भी काम में आती है ये जो रेजिस्टेंस है ये स्टार्टिंग में भी काम में आती है स्पीड कंट्रोल में भी काम में आती है और यही कुर केज के बजाय स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का यही फायदे हैं कि आप उसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छी मिल सकती है आपको स्टार्टिंग टॉर्क बहुत बढ़िया मिल जाएगी और इसके अलावा स्पीड कंट्रोल बड़ी आसानी से हो जाएगा और ऑल दो इट इज नॉट एज रगेड एज सुज इंडक्शन मोटर ठीक कनेक्शन देखिए कनेक्शन क्या है किताबों के अंदर ये स्टेप नहीं बताते क्योंकि ये स्टेप बताना बड़ा अजीब सा काम है ये दिस इज नॉट प्रोफेशनल दिस इज नॉट कंसिडर टू बी वेरी प्रोफेशनल क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये वाली चीजें बताया कि ये ऐसे हो रहा है कि तो इसलिए ये वाली चीज किताबों के अंदर भी नहीं लिखी होती क्योंकि ये एक्सप्लेन करना बड़ा, बड़ा गलत सा लगेगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं एक्सप्लेन यू कैनॉट डू दैट इस तरह की चीज ठीक है देखो इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर ये फ्रंट व्यू है ये इसका साइड व्यू है इसमें ये स्टेटर है यानी कि ये और ये इतना स्टेटर है इसके बाद यह रोटर है इसका मतलब यहां से लेकर करके यहां तक का ये रोटर है सो दिस इज द स्टेटर एंड दिस इज द रोटर इसमें हैचिंग नहीं कर सकते बिकॉज दिस सॉलिड बट स्टिल मैं हैचिंग इसके अंदर कर रहा हूं जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए ठीक है अच्छा सबसे पहली चीज इसमें जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि ये डायग्राम गलत है इस डायग्राम में गलती क्या है स्टेटर और रोटर के बीच में जो ये जो एयर गैप है एयर इसके बीच में एयर ही तो है आपने

इस डायग्राम के अंदर यह वाली गलती है अच्छा नेक्स्ट अब इसके अंदर क्या कर रखा है स्टेटर के अंदर थ्री पेज बैंडिंग करी हुई है अनकन्वेंशनल पार्ट uh, वो वाला पार्ट जो किताबों के अंदर नहीं लिख सकते ना समझा सकते हैं क्योंकि ऐस, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है ठीक है फिर भी मैं आपको खाली समझाने के लिए, लिए आपकी वाली चीज समझा रहा हूं कि थ्री फेज वाइंडिंग क्या है देखो एक मैग्नेट पर आपने सिंगल फेस वाइंडिंग करी एक मैग्नेट पर आपने ये सिंगल फेस वाइंडिंग कर दी ठीक है इसकी वजह से ये पुल नॉर्थ पोल बन जाएगा ये पोल साउथ बन जाएगा इसके अंदर आपने सप्लाई दे दी ठीक ये कितने फेज की वाइंडिंग है वन फेज और कितने पोल है इसके अंदर दो पोल इसके बजाय आप ये वाला काम भी कर सकते हैं दो मैग्नेट रखे हैं एक वाइंडिंग दी किसी तरीके से मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वाली किताब के अंदर नहीं देख इज नॉट एक्यूरेट अक्य ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या चीज हो रही है आपने वाइंडिंग पहले यूं कर दी फिर यही तार ले गए इसमें यहां से यहां कर दिया आप ये निकाल दिया इसमें सप्लाई दे दी कितने फेज की वाइंडिंग है सिंगल फेज सिंगल फेज सप्लाई जा रही है दो तार है करी सिंगल फेज सप्लाई पोल्स कितने चार तो दिस इज वन फेज फोर पोल वाइंडिंग ऐसे छह पोल की आठ पोल की वाइंडिंग बना सकते हैं क्लियर है ये वाली जी दो पोल में चार पोल में डिफरेंस को समझ में आ गया ठीक है अब सिंगल पोल की जो वाइंडिंग है उसका एक एग्जाम्पल विच इज बेसिकली रॉन्ग लेकिन मैं खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूं वो क्या है मान लीजिए आपने ये दो पोल बनाने थे आपने ये जो दो तार है वो तार इस यहां पर लिया इसमें टर्न दिया इसमें टर्न दिया ये यहां पे आ आगे सिंगल फेज टू पोल वाइंडिंग क्लियर है सिंगल फेज फोर पोल बाइंडिंग भी सब लोग बना सकते हैं इसमें बड़ा आसान काम है आपने स्किंदर लगाया फिर स्किंदर लगाया फिर स्किंद लगाया फिर स्किंद लगाया आ गया Why this is not accurate, क्योंकि इस तरह से बाइंडिंग आप एक्चुअली कभी करते नहीं है यहां से बाइंडिंग करने के बाद यहां पर जा रहे हैं कि यहां पर जा रहे हैं यहां पर जा रहे हैं ये सब चीजें हम ड्रॉइंग के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे अभी अभी खाली बस मेन फंडा समझिए आपने बेसिकली यहां पर मैं खाली आपको समझा रहा हूं ये अब आपने सिंगल फेज फोर पोल की बाइंडिंग आपने कर रखी है समझ नेक्स्ट एक मैग्नेट आपने ऑल लिया ये एक फेज दूसरा फेज तीसरा फेज तीनों के अंदर आर बाई बी बेसिकली छह तार आपको दिखाई दे रहे हैं सार में ये डेल्टा में किसी में जोड़ करके आपने इसके अंदर सप्लाई दे दी कितने फेज की वाइंडिंग हो गई थ्री फेज कितने पोल टू पोल जैसे तो थ्री फेज टू पोल वाइंडिंग थ्री फेज टू पोल वाइंडिंग बेसिकली कैसे होगी फेज टू पोल बैंडिंग ऐसे होगी ये मान लीजिए एक पोल ये रहा दूसरा पोल ये रहा तो एक फेज की जो ये वाला तार है ये आया इसके अंदर लगा फिर इसके अंदर लगा सिंगल फेज दूसरा फेज यहां से ले लेते हैं दूसरा फेज इसके अंदर गया फिर इसके अंदर गया दूसरा फेज तीसरा फेज इसके अंदर गया इसके अंदर गया तीसरा फेज क्लियर है ठीक और ये ऐसी नहीं होगी ये फॉर एग्जाम्पल एसी केस में अगर आप देखते हैं तो एसी केस के के में ये वाली किस तरह की हो जाएगी ये तो डीसी बना इसलिए डीसी पोस्ट में कभी सिंगल फेज फेज या थ्री कर नहीं सकते आप। आपने ये वाला काम कर रखा है इसके अंदर कई सारे स्लॉट्स बने हुए हैं अब इसके अंदर आपको थ्री फेज और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसके अंदर आपको सिंगल फेज टू पोल बाइंडिंग करनी है सिंगल फेज टू पोल बाइंडिंग ये दो तार जा रहे हैं पहला तार यहां पर ले गए तार पूरा स्लॉट में यहां से वहां तक गया ठीक है यह मान लीजिए स्टेटर है स्ट्रेटर के में या इस में आपने डाला पीछे के के साइड साइड से से पीछे से लिया वो जाके जोड़ा यहां पे इसके पीछे इसको सामने से लाया जोड़ा यहां पे पीछे ले गए यहां पे ये यह पूरा कराओ यहां से निकाल दिया दिस इज सिंगल फेस टू पोल बाइंडिंग एक फेस की बाइडिंग आपने कर रखी है और दो पोल के बना रखा नॉर्थ पोल इस बनेगा साउथ पोल इस बनेगा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में एक स्लॉट खिसक जाएंगे अगर फील्ड होती तो जबकि ऐसा हो नहीं रहा इसमें क्या होगा नॉर्थ पोल इधर बनता रहेगा साउथ पोल इधर बनेगा फिर साउथ इधर बनेगा नॉर्थ इधर बनेगा सिंगल फेज फेस सिंगल फेज फोर पोल पोलिंग किस तरह की होगी सिंगल फेज फोर पोल बाइंडिंग आप बेसिकली क्या करेंगे इधर ले गए यहां से यहां ले गए फिर यहां से यहां ले गए फिर यहां से ले गए फिर यहां लाए फिर यहां लाए फिर यहां लाए फिर यहां लाए यहां लाए यहां लाए चार पोल चार अलग अलग पोल के लिए आपने बैंडिंग कर दी ठीक ये जैसे सिंगल फेज फोर पोल वाइंडिंग अब थ्री फेज टू पोल वाइंडिंग इसमें थ्री फेज टू पोल आर के दो तार ये रहे वाई के दो तार ये रहे बी के दो तार ये रहे आर ये वाई ये रहा बी ये रहा आर के दो तार इसमें गए इसमें गए इसमें इसमें पूरे में आपने घुमाया घुमा करके ये दो तार गए आर ठीक आर का सेक्शन आपने इसमें और इसमें पूरा बैंड करके आपने दो तार जोड़ दिए वाई के जो दो तारे वो इसमें 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 पूरे में आपने घुमाया घुमा के वाई इसमें जोड़ दिया और बी के जो दो तारे वो इसमें और इसमें इन सेक्शन में आपने घुमा करके इसमें जोड़ दिया तो जो एक नॉर्थ पोल था जिसमें खाली एक फेस की बाइंडिंग हो रही थी उसमें आपने तीन फेस की बाइंडिंग कर रखी है नॉर्थ पोल में भी साउथ पोल में भी इसी तरीके से अगर आपको बाइंडिंग कर है थ्री फेज फोर पोल के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके अंदर आपने चार पोल बनाए और हर एक के तीन तीन पार्ट कर दिए तो यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां तक का दूसरा पोल है से यहां पोल है। से लेके यहां तक का तीसरा पोल है यहां से लेके यहां तक का चौथा पोल है जिस पॉइंट पर आपने सप्लाई ऑन करिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में सारे सारे स्लॉट खिसक जाएंगे समझ में आ रहा है सब लोगों को ये जिस टाइम आपने स्विच ऑन करा उस टाइम नॉर्थ पोल यहां बनेगा नॉर्थ यहां बनेगा बने फिर एक एक, एक स्लॉट खिसक जाएंगे सारे सारे खिसक गया, पर गया पूरा पूरा तो थोड़ी देर के बाद घूम करके यहां पर आ चुका है ये वाला साउथ खिसक यहां पर नॉर्थ खिसक यहां ये वाला खिसक रहे वाली चीज मैंने समझाई थी आपको और इसमें गया वाले में गया फिर इस वाले में गया फिर इस वाले में गया फिर ऐसे चारों के अंदर आपने बाइंडिंग करके इसमें दो तार निकाल दिए ऐसे वाई के लिए कर दिए ऐसे बी के लिए कर दिए तो ये खाली ये समझाने के लिए है कि थ्री फेज टू पोल या फोर पोल बाइंड सिंगल फेज टू पोल या फोर पोल बाइंडिंग जो होती है किस तरह से करी जाती है आई रिपीट दिस इज नॉट द वे द एक्चुअल बाइंडिंग इज डन दिस इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से करी जाती है ड्राइंग में आप डिटेल में सारे पढ़ेंगे कि थ्री फेज फोर पोल या टू पोल बाइंडिंग कैसे करी जाती है लेकिन पॉइंट यहां पर खाली यह है कि इसके अंदर आपने थ्री फेज वाइंडिंग कर रखी है ठीक है स्टेटर के अंदर आपने थ्री फेज फोर पोल वाइंडिंग करी हुई है अब थ्री फेज फोर पोल वाइंडिंग आपने मान लीजिए स्टार में कनेक्ट कर रखी है कितने तार उसमें से बाहर निकल के आ रहे होंगे स्टार वाइंडिंग के लिए चार एक न्यूट्रल होगा और तीन फेज वाले होंगे ठीक है वो तीनों तार इस स्टेटर के अंदर आपने ये वाली पूरी वाइंडिंग कर रखी है जो आपको पूरा दिखा रखा है

क्लियर है सब लोगों को स्टेटर में से भी तीन तार बाहर निकल के आ रहे हैं रोटर में से भी तीन तार बाहर निकल के आ रहे हैं लेट अस अज्यूम कि स्टेटर और रोटर दोनों के अंदर आपने स्टार स्टार वाइंडिंग कर रखी है में, है में कनेक्टेड नहीं तो बेसिकली बड़ा सिंपल चीज क्या है कि स्टेटर के अंदर आपने वाइंडिंग करी सिंगल फेज वाइंडिंग करी उसके दो तार बाहर निकल के आए सेकंड फेज की वाइंडिंग करी उसके भी दो तार थर्ड फेज की वाइंडिंग करी उसके भी दो तार अब इनको आप स्टार, स्टार में लगा दीजिए चाहे डेल्टा में लगा दीजिए जैसा लगाना चाहे ठीक है नॉर्मल केस में नॉर्मल जब रनिंग चल रही होती है तब इंडक्शन मोटर का स्ट्रेटर इज कनेक्टेड इन डेल्टा ऑलवेज जिससे कि फुल सप्लाई वोल्टेज के अंदर पहुंचता है लेकिन स्टार्ट करने के लिए स्टार में स्टार्ट करते हैं इट हैज अ स्टार्टर 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 व्हिच इज कॉल्ड स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा इसीलिए बोला जाता है ठीक तो खाली क्या है स्टेटर के अंदर आपने थ्री फेज वाइंडिंग कर रखी है चाहे कैसे भी कर रखी हो

कितने को याद रहा एडिशन जोड़ने से क्या फायदा होता है स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल में आपको बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाती है के ज्यादा होने, really होने से क्या फायदा होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होती है क्या कोई एग्जांपल को दे सकता है स्टार्टिंग टॉर्क कम अगर होती है तो स्टार्ट करना कैसा हो जाता है जैसे आपकी जो बाइक है उसका फोर्थ गियर में स्टार्ट करिए आप भी बैठ जाइए अपने दो दोस्तों को पीछे बैठा लीजिए दो दोस्तों को आगे बैठा लीजिए उनके ऊपर गंदों पे बिठाना चाहे तो वो भी बिठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और पीछे उसके साथ में और कुछ गाड़ी वगैरह बांधनी है तो वो सब भी बांध दिए और फिर फोर्थ गियर में डाल के फिर स्टार्ट करिए नहीं हो पाएगी क्यों नहीं हो पाएगी क्या रीजन है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पाती टॉर्क इट हैज वेरी लो टॉर्क फोर्थ गियर के अंदर टॉर्क की वैल्यू बिल्कुल मिनिमल होती है होती ही नहीं उसमें टॉर्क ही नहीं होता है वो तो खाली मिनिमल टॉर्क होती है जो उसकी स्पीड को रनिंग इंजन को रनिंग रखती है दैट्स ऑल इसलिए वो हाई स्पीड मिलती है उसके अंदर फर्स्ट गियर में आराम से जितने मैंने बताया वो सारा सारा उसमें बैठ सकते हैं करके और आराम से सब चल सकते हैं चढ़ाई पे भी और कहीं भी आपको रेत वेत में कहीं भी आपको चला नहीं आराम चला सकते हैं फर्स्ट गियर में टॉर्क बहुत ज्यादा है टॉर्क का अगर फिजिकली कभी किसी को आइडिया लेने की मर्जी हो तो कोई गियर वाली जो साइकिल है उसके फर्स्ट गियर को और फोर्थ गियर में उसको चला के देखना आपको फर्क समझ में आएगा फर्स्ट गियर में क्या होता है फोर्थ गियर में क्या होता है ठीक तो इसमें अंदर रेजिस्टेंस आपको ऐड करनी है जिससे कि इसके स्टार्डन टॉर्क इंप्रूव कर सके अच्छी कर सके स्टार्डन टॉर्क इंप्रूव करने से क्या है बहुत सारा लोड आपने इसमें लगा रखा हो उस पर भी आप स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर देगा जैसे कि मोटरसाइकिल में हो गया कार में हो गया उसमें स्टार्डन टॉर्क फर्स्ट गियर क्यों लगाते हैं फर्स्ट गियर यू लगाते हैं कि जिससे स्टार्डन टॉर्क ज्यादा हो नहीं तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता आप अकेले बैठ के अपनी कार चालू कर दी फिर अपनी फैमिली से बोलेंगे भाई थोड़ी हाई स्पीड में पहुंच जाए तो खड़े हो जाना तुम आगे खड़े हो जाना मैं दरवाजा तो खोल दूंगा फिर तुम इसमें कूद जाना तब तो थोड़ी स्पीड आ जाएगी यू कैन नॉट डू दैट ये वाला काम आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ी देर स्पीड पकड़ ले तब और लोड बढ़ा दें थोड़ी सी और स्पीड पकड़ ले तब और लोड बढ़ा दें कई बार आपको मैक्सिमम पॉसिबल लोड के साथ में मोटर स्टार्ट करनी पड़ती है

इसके रोटर के अंदर से जो तीन तार बाहर निकल के आ रहे हैं उसमें आपको रेजिस्टेंस लगानी है। रेजिस्टेंस एडिशनल वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने के लिए आप लैब में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये तीन रियोसेट रखे हुए थे मान लीजिए रियोसेट के कनेक्शन सब लोग आते हैं ना आते हैं सब को? ये बीच का स्लाइडर है ये टर्मिनल ए बी सी डी चार टर्मिनल है मान लीजिए दो तार आ रहे हैं इन दोनों तारों के बीच में मेरे को वेरिएबल रेजिस्टेंस लगानी है इनको मैं कहां कहां जोड़ूंगा ए बी सी डी में से कौन से दो जगह पर इसको जोड़ना होगा ए डी अगर इसको आपने ए में जोड़ दिया और इसको ले जाकर डी में जोड़ दिया दैट इज वन पॉसिबल ऑप्शन इस केस में क्या होता है हाउ डू यू वेरी द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वेरी कैसे होती है करंट का डायरेक्शन देखिए करंट इधर से आया इसके अंदर गया और इधर से इसमें जाने के लिए इसके पास खाली एक जंपर है जंपर से इसमें गया इधर गया इसमें निकल के चला गया आधी ट्यूब यहां लगी आधी ट्यूब यहां लगी पूरी एक ट्यूब के बराबर रेजिस्टेंस के अंदर लग गई अगर इसको मैं यहां पे कर दूं तब क्या होगा वन फोर्थ ट्यूब यहां लगी थ्री फोर्थ ट्यूब यहां लगी अगेन टोटल रेजिस्टेंस कितनी रही उतनी उतनी रही सेम रही तो फिर कहां लगाएंगे ए बी ए बी दैट्स करेक्ट आंसर ये आंसर बिल्कुल सही है अब अगर आप इसमें लगा देते हैं तब मान लीजिए आपने स्लाइडर यहां रखा था तो करंट यहां से आई आधी ट्यूब यूज हुई फिर आधी ट्यूब यूज हुई और चला गया अगर आपने इसको स्लाइडर को यहां रखा तो वन फोर्थ यहां वन फोर्थ यहां ट्यूब रेजिटेंस कम हो गई और इसको अगर आपने पूरा यहां कर दिया तो पूरी ट्यूब ये पूरी ट्यूब ये इस तरह पूरा इस्तेमाल हो रही ये ध्यान रखना कि टू ट्यूब वाले में इस इस तरह से लगाते हैं ठीक है थीके? अब ऐसे ऐसे तीन रजिस्टेंस आपने इन तीनों के बीच में लगा दिए कैसे लगा दिए जैसे ये तीन तार आ रहे हैं इन तीनों के बीच में एक दो और तीन जो आ रहे हैं इसके बीच में आपने रेजिस्टेंस से लगा दिए एक एक रेजिस्टेंस ये थी रियोस्टैट एक रियोस्टैट ये है दूसरा रियोस्टैट ये है और तीसरा रियोस्टैट ये रखा ठीक इसमें आपने ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट इन तीनों को कॉमन कर दिया और इसको इसमें जोड़ दिया इसको इसमें जोड़ दिया और इसको लेकर इसमें जोड़ दिया ठीक स्टार में जोड़ दिया स्टार में रेस्टेंस आपने इसके अंदर जोड़ देखिए क्या ये स्टार का कनेक्शन सब लोगों को दिखाई दे रहा है स्टार का कनेक्शन सब लोगों को दिखाई दे रहा है ठीक है सबको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी बात है सिंपल स्टार कनेक्शन है एक पॉइंट सबका कॉमन रेजिस्टेंस का और दूसरा पॉइंट में जोड़ रखा अब ये करने के बाद में इन तीनों तारों के अंदर मैंने बिजली की सप्लाई दे दी और बिजली की सप्लाई ऑन कर दी अब क्या होगा मोटर कितनी स्पीड पर रन करेगी सब ठीक ठाक चलेगा तो कैसे चलेगा अगर ठीक ठाक नहीं चलेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती थी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस क्या होगा इसके अंदर लोड बढ़ा दिया अंदर मैं कुछ और हाई फंडा नहीं मैं थोड़ा लो फंडा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं लो फंडा ठीक है बहुत लो फंडा अगर इस रोटर के अंदर से तीन तार बाहर निकल के आ रहे हैं और वो अपने रियो सेट में जोड़ रखे हैं और फिर आपने इंडक्शन मोटर में सप्लाई ऑन कर दी तब क्या होगा तो रियो घूमने लगेंगे दैट्स रियोसॉर्ट घूमने शुरू कर देंगे आप पंखे के रोटर में से दो तार बाहर निकल के आ रहे हो उसमें रियोसेट जोड़ दिए पंखा ऑन कर दिए क्या होगा पंखा घूमने लगेगा उसके साथ साथ में रियोसेट भी उड़ना शुरू हो जाएगा अब इसके अंदर आपने बहुत हैवी ड्यूटी रियोस्ट लगा रखे हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी हैवी और वो रियोसेट उठा उठा, उठा करके वो जब घूमेगा रोटर तो रिशोर्ट उठेगा फिर गिरेगा फिर उठेगा फिर गिरेगा तीनों बारी बारी से गिरते जा रहे हैं विच इज नॉट अ प्लेजेंट साइट देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा भाई, एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लुक्स कोई चीज दिखने में अच्छी होनी चाहिए इसीलिए बस केवल ये रीजन है जिसकी वजह से स्लिप लगा लगाए जाते हैं और स्लिप बेसिकली इसके लिए, लिए क्या है स्लिपरिंग समझ लीजिए क्या है देन वी कैन एंड इट ये तीन तार इसमें से बाहर निकल के आ रहे हैं ये तीन तार इसमें से बाहर निकल के आ रहे हैं जिस रोटर और शाफ्ट दोनों दोनों एक दूसरे के साथ में सेट हैं, बिल्कुल फिक्स किए है, जिस पर रोटर उसी पर भी है। पर तीन रिंग लगा दिए रोटर घूम रहा है उसी स्पीड पर तीनों रिंग भी घूम रहे इसके साथ में एक तार आपने इसके साथ में जोड़ दिया एक तार लगा इसके साथ में जोड़ दिया तीसरा तार दिया कोई दिक्कत नहीं है सब एक स्पीड पर घूमता रहेगा घूमे जा रहा है ठीक पूरी असेंबली जो पूरी असेंबली आपको दिखाई दे रही है गोल गोल घूमे जा रही है अब आपको काम क्या करना है जैसे पे आपने ब्रशे लगा रखे थे एक फ्रेम आपने आप बना रखा है अलग से उस फ्रेम के ऊपर चिमटे में ये ब्रशे लगा रखे हैं तीन ब्रशे लगा रखे हैं ये माउंट करे हुए हैं और इनके कनेक्शन यहां से आ रहे हैं जिससे आप ये ले करके कनेक्शन तीन कनेक्शन बाहर निकाल सकते हैं तो इसके लिए क्या है ये रिंग गोल गोल घूम रहे हैं और ब्रश इस पर रब कर रहा है रिंग गोल गोल घूम रहे हैं ब्रश इसके ऊपर रब कर रहे हैं तीनों ब्रशेस दरअसल स्लिप रिंग लगाने का फायदा क्या हुआ यू हैव टर्न यू हैव चेंज मूविंग कॉन्टैक्ट इन टू फिक्स कॉन्टैक्ट स्टेशनरी कॉन्टैक्ट मूविंग वो तीन कॉन्टैक्ट जो रोटर के शासन में गोल गोल घूमे जा रहे थे फोर्टी हंड्रेड एंड फिफ्टी आरपीएम की स्पीड गोलगोल घूम रहे थे अब वही तीनों फिक्स हो गए दे आर स्टेशनरी फिक्स हो गए अब आप इन तीनों के अंदर तीनों रिसेट आराम से लगा सकते हैं क्लियर है ये वाली चीज़? ठीक विल कंटिन्यू